वेलकम टू द चैनल गाइस। इस वीडियो लेक्चर में खतरनाक कंसेप्ट करने वाले हैं, बहुत बहुत प्यारा, जिसमें कि आप शॉर्ट आंसर्स देना सीखोगे। आप जो है, और आपके पूरे टेंसेस का मॉडल वर्ब्स का एक बार को जो है आपको ध्यान आ जाएगा कि इसमें कौन सा क्या करना है, किस सेंस में यूज़ होना है, वो सारा का सारा एक्सरसाइज करेंगे रेमन और फिश इंग्लिश ग्रामर में से। ओके, ये रेमन और फिश आपकी बुक है। अगर आप सही में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये वाली बुक ले लेना, सेकेंड एडिशन लेना, पीली वाली 200 रुपये की भी किताब नहीं, बहुत सस्ती है रेमन और फिश। इसमें आंसर्स भी हैं, अपने आप ही पढ़ो, रेफरेंस बुक है ये, आप खरीद लोगे 50 साल तक यूज़ होती रहेगी। प्रैक्टिस बुक भी है आप, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर जो बड़ा देख रहा है इसे, वो अपने बच्चों के लिए ला के दे सकता है इसे। भाई मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, सीधी सी बात है, तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और आप अगर आप बच्चे की इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो तो वाली किताब ले लें। ओके, और इसे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं, रेडी? तो ये वाला करते हैं जरा। इसके अंदर ये शॉर्ट आंसर्स का हमने 39 यूनिट देख लिया था, इसमें कर लिया था, वो जरा देख लेना इसके अंदर आप 39 यूनिट रेमन बर्फी का। तो अब एक्सरसाइज करते हैं, रेडी? देखो कहता है कंप्लीट दिस सेंटेंस। और हाँ, तो आपको ये वाली बात कहनी कि अगर आपको टेंसेस इंप्रूवमेंट बहुत टेंसेस बहुत जबरदस्त तरीके डिटेल में सीखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना, डिस्क्रिप्शन में दे दिया। छोटे बच्चों के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए अलग, बड़े बच्चों के लिए अलग है, बहुत डिटेल में, किसी ने इतना नहीं करवाया डिटेल के अंदर, रेडी? हाँ, यकीन नहीं है तो आप जाके देख लेना उसमें, देखो। अच्छा, 39 यूनिट में देखो, इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर कंप्लीट दिस सेंटेंस, इन सेंटेंसेस को पूरा करो, यूज़ ओनली वन वर्ब, आपने एक वर्ब इस्तेमाल करनी है। इज ए हैव ए कोई एक ईच टाइम, आई केट वॉजंट हंग्री, केट भूखी नहीं थी, बट वी वर, परंतु हम थे, लेकिन हम थे। अब आप पॉज करके आप इसको सोच लो जरा इसमें, सेकेंड वाली में। ओके, अब देखो, केट वॉजंट हंग्री, केट भूखी नहीं थी, बट वी वर, लेकिन हम थे। आई एम नॉट मैरिड, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, बट माई ब्रदर इज़, परंतु मेरा भाई है। आई एम नॉट मैरिड, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, बट माई ब्रदर इज़, परंतु मेरा भाई है। बिल कांट हेल्प यू, बिल तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, बट आई कैन, बिल तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, बिल कांट हेल्प यू, बिल तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, बट आई कैन, परंतु मैं कर सकता हूँ। फोर्थ में कहता है, आई हैवन सीन द फिल्म, मैंने फिल्म नहीं देखी था, बट टॉम हैज़, परंतु टॉम ने देख ली है। आई हैवन सीन द फिल्म, मैंने फिल्म नहीं देखी है, बट टॉम हैज़, लेकिन टॉम ने देख ली है। डायना वुंट बी हियर, डायना यहाँ पर नहीं होगी, बट क्रिस विल बी, पूरा विल बी मैकेनिक जोड़ते हैं, सिर्फ विल ही लगा देना। ओके, डायना वुंट बी, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वंट। डायना विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वंट। तो डायना वुंट बी है, डायना यहाँ पर नहीं होगी, बट क्रिस विल, परंतु किस होगा, क्रिस होगा, लेकिन विल बी कहने की जरूरत, बी लगाने पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, क्रिस विल, क्रिस होगा। आगे कहता है, यू वरंट लेट, तुम लेट नहीं थे, बट आई वॉज, परंतु मैं था, यू वरंट लेट, तुम लेट नहीं थे, बट आई वॉज, परंतु मैं था। तो आपने पूरी सेंटेंस बोलनी जरूरत नहीं होती, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से काम चला लो। अब आगे कहता है नेक्स्ट, इस वाले में देखो, कंप्लीट दिस सेंटेंस, इन सेंटेंसेस को पूरा करो विद अ नेगेटिव वर्ब, इन नेगेटिव वर्ब लगाना है आपने। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, मेरी सिस्टर जो है पियानो बजा सकती है, बट आई कांट, परंतु मैं नहीं बजा सकता। पॉज करके आप करने की कोशिश करो इसको। ओके, मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे देखो, एन इज़ वर्किंग टुडे, एन आज काम कर रही है, बट एन इज़ वर्किंग टुडे, एन काम कर रही है आज, बट आई एम नॉट, क्या एन इज़ वर्किंग, क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन से तो ऐसे ही लगाओगे ना, एन इज़ वर्किंग टुडे, एन आज काम कर रही है, ऑफिस में है वो, बट आई एम नॉट, परंतु मैं आज छुट्टी पर हूँ। आई वॉज वर्किंग बट माई फ्रेंड्स, आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था, बट माई फ्रेंड्स वरंट, परंतु मेरे फ्रेंड नहीं कर रहे थे। आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था, बट माई फ्रेंड्स वरंट, परंतु मेरे फ्रेंड नहीं कर रहे थे। रिचर्ड हैज़ गॉट अ कार, रिचर्ड के पास कार है, बट आई हैवंट, परंतु मेरे पास नहीं है। आई एम रेडी टू गो आउट, मैं तैयार हूँ बाहर जाने के लिए, बट टॉम इजंट, परंतु टॉम नहीं है, आई हैव गॉट अ की, मेरे पास चाबी है, बट सैली हैजंट, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रिपीट करिए। आई हैव गॉट अ की, मेरे पास एक चाबी है, बट सैली हैजंट, परंतु सैली के पास नहीं है। अच्छा, कंप्लीट दी सेंटेंसेज, आप इन सेंटेंसेस को पूरा करो, कहता है इसमें कंप्लीट दी सेंटेंसेज, आप इन सेंटेंसेस को पूरा करो विद डू, डज, डिड। हाँ, आपका प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की पूरा रिवीजन हो गया, आ जाओ जरा मैदान में। अब पहला मैं कर रहा हूँ, फिर आपके लिए आप पॉज करना, फिर आप, ठीक है ना, पॉज करके फिर आप करने की कोशिश करना। आई डोंट लाइक हॉट वेदर, मुझको हॉट वेदर पसंद नहीं है, बट सू डज, परंतु सू को पसंद। आई डोंट लाइक हॉट वेदर, मुझे गर्म मौसम पसंद नहीं है, बट सू डज, परंतु सू को पसंद है। ओके, तो आप पॉज करो इसे, देखो आगे कहता है इसमें, सू लाइक्स हॉट वेदर, सू को हॉट वेदर पसंद है, बट आई डोंट, परंतु मुझे पसंद नहीं है। तो आपने पॉजिटिव लगाना, नेगेटिव लगाना, वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है भाई। नेगेटिव लगाना उल्टा आंसर देना, तो आप पॉजिटिव भी बोलोगे, जब पॉजिटिव बोल रहा तो बंदा नेगेटिव बोलोगे आप, सीधी सी बात है।
तो सू लाइक्स हॉट वेदर, सू को गर्म मौसम पसंद है, बट आई डोंट, पर तो मुझे पसंद नहीं है। माई मदर वियर्स ग्लासेस, मेरी माँ चश्मा पहनती है, मेरी माँ चश्मा पहनती है, बट माई फादर डजेंट, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है ना, देख रहे हो, प्रेजेंट सिंपल है। माई मदर वियर्स ग्लासेस, मेरी मम्मी ग्लासेस पहनती है, बट माई फादर डजेंट, मेरे तो मेरे पिताजी नहीं पहनते। यू डोंट नो पॉल, तुम पॉल को नहीं जानते वेरी वेल ढंग से, बट आई डू, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव लगा तो यहाँ पर आपका जो है आपका सिर्फ बिना नोट के हेल्पिंग और पाएगी। कहता है यू डोंट नो पॉल, तुम पॉल को नहीं जानते वेरी वेल अच्छी तरह से, बट आई डू, परंतु मैं जानता हूँ। आई डिडेंट एन्जॉय द फिल्म, यहाँ पर निगेटिव है तो यहाँ पर आपका सिर्फ हेल्पिंग और रिपीट होगी बिना नोट के। आई डिडेंट एन्जॉय द फिल्म, कोई उल्टा आप जवाब दे रहे हैं। आई डिडेंट एन्जॉय द फिल्म, मेरे को फिल्म अच्छी नहीं लगी, बट माई फ्रेंड्स डिड, मेरे फ्रेंड्स को अच्छी लगी। आई डिडेंट एन्जॉय द पार्टी, मेरे को पार्टी में मजे नहीं आए, बट माई फ्रेंड्स डिड, ओके, लेकिन मेरे फ्रेंड्स को मजे आए। आई डोंट वॉच टीवी मच, मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखता, बट पीटर डज, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर आपका जो जवाब उल्टा जवाब दे रहे तो इसे आपका सिर्फ हेल्पिंग और रिपीट होगी, और उसमें आपने ये लग देखना पीटर है तो आपको पता ही है प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो डज ही लगेगा सिंगुलर के हिसाब से। आई डोंट वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देखता मच। आई डोंट वॉच टीवी मच, मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखता, बट पीटर डज, परंतु पीटर देखता है। केट लिव्स इन लंदन, केट लंदन में रहती है, बट हर पेरेंट्स डोंट, कि नेगेटिव उल्टा बोल रहे हो ना आप, वो यहाँ पॉजिटिव बना रहे तो आप नेगेटिव बनाओगे ना। केट लिव्स इन लंदन, केट लंदन में रहती है, बट हर पेरेंट्स डोंट, परंतु उसके पेरेंट्स नहीं। यू हैड अ शॉवर दिस मॉर्निंग, ये पास्ट सिंपल है। हैड, हैव का मतलब खाना पीना स्नान करना भी होता है, तो यू हैड अ, ठीक है, तो किया था, तो पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म। यू हैड अ शॉवर दिस मॉर्निंग, यू हैड अ शॉवर दिस मॉर्निंग, तुम सुबह आज सुबह नहाए थे, तुम आज सुबह नहाए थे, बट आई डिडेंट, बट आई डिडेंट, पास्ट सिंपल का नेगेटिव कैसे बनता है, डिड का यूज़ करके नॉट लगाते हैं, बट आई डिडेंट, परंतु मैंने नहाया था, ओके। अच्छा, इस पे देखो ये वाला, आप जो कंप्लीट द सेंटेंसेस राइट अबाउट योर सेल्फ अदर पीपल। आई डिडेंट गो आउट लास्ट नाइट, बट माई फ्रेंड डिड, अपने आप आई लाइक, अपने आप ही बना देना, आई लाइक टी, बट माई मदर डजेंट, मेरी मम्मी को पसंद नहीं। आई डोंट लाइक आइसक्रीम, मेरे को आइसक्रीम पसंद नहीं, बट माई सिस्टर डज, परंतु मेरी सिस्टर को पसंद है। आई एम अ टीचर, ठीक है ना। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम टायर्ड, बट माई फ्रेंड, बट मोहन इजेंट, परंतु मोहन नहीं है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, बट मोहन इजेंट, अपने आप ही बना देना। आई हैवंट अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है। बट माई फ्रेंड हैज़, परंतु मेरे फ्रेंड के पास है। अच्छा, आगरे, अब आगे वाला बहुत खतरनाक वाला आ रहा है ये, ओके। अच्छा, पुट अ वर्ब पॉजिटिव और नेगेटिव, पुट अ वर्ब पॉजिटिव और नेगेटिव, आप पॉजिटिव वर्ब लगाओ, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। आर यू टायर्ड, क्या तुम थके हो, ये ठीक है, जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो दे दिया ना, इसके अंदर ये तो आप कहते हैं इसमें जो है एक स्पीकर है, दूसरा स्पीकर है। आर यू टायर्ड, क्या आप थके हुए हैं, जवाब देता बंदा, आई वॉज अर्लियर, किस, ठीक है, किसने पूछा आर यू टायर्ड, क्या आप थके हुए, तो जवाब मिला आई वॉज, मैं था अर्लियर पहले, आई वॉज अर्लियर बट आई एम नॉट नाउ, परंतु अब नहीं हूँ। तो मेरे प्यारे, जरा आप जरा पॉज करो, जरा भरने की कोशिश करो, 11 है, मज़ा आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। हाँ, ओके, अब आगे देखो। जॉन इज़ हैप्पी टुडे, जॉन जैसे बट लगता तो हमेशा नेगेटिव में जाता है, ठीक है ना, नेगेटिव में आंसर जाता है आपका। जॉन इज़ हैप्पी टुडे, जॉन आज खुश है, बट ही वॉजेंट यस्टरडे, परंतु कल नहीं था, बट ही वॉजेंट यस्टरडे, परंतु कल, पूरा लिखने, पूरा बोलने की जरूरत है, बट ही वॉजेंट हैप्पी यस्टरडे, हैप्पी लगाने की जरूरत नहीं है, बट ही वॉजेंट यस्टरडे, परंतु कल नहीं था वो। The post office isn't open yet, but the shops are, लेकिन दुकानें खुली हैं। The post office isn't open yet, but the shops are, लेकिन दुकानें खुली हैं। आई हैवंट गॉट अ वीडियो कैमरा, मेरे पास वीडियो कैमरा नहीं है, बट आई नो समबडी हु हैज़, मैं किसी को जानता हूँ जिसके पास है। आई हैवन गॉट अ वीडियो कैमरा, मेरे पास वीडियो कैमरा नहीं है, बट आई नो समबडी, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ हु हैज़, जिसके पास है।
आई वुड लाइक टू हेल्प यू, आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना पसंद करूँगा, मतलब मदद करना तो चाहता हूँ तुम्हारी, बट आई एम अफेड आई कांट, परंतु मुझे दुख है कि मैं नहीं कर सकता यार। आई वुड लाइक टू हेल्प यू, आई वुड लाइक टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना तो चाहता हूँ, बट आई एम अफेड, परंतु मुझे दुख है, आई कांट, लेकिन मैं नहीं कर सकता। I don't usually go to work by car. I don't usually go to work by car. मैं अक्सर कार से काम पर नहीं जाता हूँ, but I did yesterday. परंतु मैं कल गया था, ठीक है ना, सॉरी, but I did yesterday. परंतु मैं कल गया था। अच्छा, सेवन वाले में देखो, एक कहता है बी से, हैव यू एवर बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, एवर जो बीन टू का प्रयोग है ना, वो मैंने यूनिट में करवा दिया है, आप देख लेना इसके अंदर ये, ओके। तो हैव यू एवर बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, क्या आप यूनाइटेड स्टेट्स गए हो कभी? बी कहता है नो बट सैंड्रा हैज़, परंतु सैंड्रा गई है, शी वेंट देयर ऑन हॉलीडे लास्ट ईयर, वो वहाँ पर हॉलीडे पिछले साल छुट्टी पर गई थी। तो कहता हैव यू एवर बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, क्या कभी आप अमेरिका घूम कर आए हो? यूनाइटेड स्टेट्स को अमेरिका बोलते हैं, क्या आप कभी अमेरिका घूम कर आए हो? बी कहता नो बट सैंड्रा हैज़, लेकिन सैंड्रा घूम के आ चुकी है, शी वेंट देयर, वो वहाँ पर गई थी ऑन हॉलीडे लास्ट ईयर, छुट्टी पर गई थी पिछले साल। इसमें एट में एक स्पीकर जो है वो कहता डू यू एंड एन वॉच टी वी अलॉट, क्या आप और एन बहुत ज़्यादा टी वी देखते हो? जवाब दिया आपने आई डू बट एन डजंट, आई डू, मैं तो देखता हूँ, बट एन डजंट, परंतु एन नहीं। डू यू एंड एन वॉच टी वी अलॉट, क्या एन और तू बहुत ज़्यादा टी वी देखते हो? आई डू, मैं तो देखता हूँ, बट एन डजंट, परंतु एन नहीं देखती। नाइन पे आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, आई है कोई पार्टी, द पार्टी को विशेष पार्टी की बात हो रही है, आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस का देखना तो वीडियो देख लेना, पैसिव वॉइस में बहुत डिटेल में करवा रखा, दो घंटे का वीडियो, कभी जिंदगी में पैसिव वॉइस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना डिटेल में करवाया मैंने प्यारे बच्चों। कहता आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, में पार्टी में इन्वाइट किया गया हूँ, मुझे पार्टी बुलाया गया है, बट केट हैजेंट, पूरा बोलने की जरूरत नहीं, बट केट हैजेंट बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी, बट केट हैजेंट, परंतु केट को नहीं बुलाया गया है। डू यू थिंक डायना विल पास द हर एग्जाम्स, क्या तुम्हें लगता है कि डायना अपने एग्जाम में पास हो जाएगी? डू यू थिंक डायना विल पास हर एग्जाम्स, क्या आपको लगता है कि डायना अपने एग्जाम में पास हो जाएगी? येस आई एम श्योर शी विल, हाँ यकीन है, आई एम श्योर शी विल, हाँ हो जाएगी। ये इसमें कह इलेवंथ वाले में तो आर यू गोइंग आउट दिस इवनिंग, क्या तुम आज शाम को घूमने जा रहे हो, बाहर जा रहे हो? आर यू गोइंग आउट दिस इवनिंग, क्या शाम को तुम घूमने जा रहे हो, बाहर जा रहे हो? आई डोंट नो फॉर श्योर, आई माइट शायद जाऊँ, माइट मेयर माइट संभावना के लिए होता है ना, तो माइट जल्दी बोला जाता, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उसमें रिक्वेस्ट के लिए भी ले पर मतलब परमिशन के लिए भी यूज़ कर लेते, तो यही बेहतरीन है कि आप माइट लगा दो, मेयर माइट में कोई अंतर नहीं है, मॉडल वर्ब्स में जाके देख लेना इसके में, ठीक है? तो आई माइट शायद जाऊँ, तो पूरा बोलने की जरूरत है आई माइट गो, तो ये बोल दिया। देखो ना, आर यू गोइंग आउट दिस इवनिंग, क्या आप तुम शाम को बाहर जा रहे हो? आई माइट शायद जाऊँ, आई डोंट नो फॉर श्योर, मुझे पूरा मतलब कि सर्टेन मतलब कि पूरा श्योर नहीं हूँ मैं, दैट्स ऑल। अच्छा, इसमें कहता है आर, और इसमें से आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट यूर सेल्फ, अपने इन क्वेश्चन का जवाब दो अपने बारे में, ओके अबाउट यूर सेल्फ, येस आई हैव, माना शॉर्ट आंसर्स, हाँ कहना तो येस आई है, ठीक है ना, वो ओके येस आई हैव, नो आई एम नॉट, एटसेट्रा, मतलब आपने डिसाइड करना कौन सी वर्ब लगेगी और सिर्फ शॉर्ट आंसर्स देने। आर यू, मैंने कहा ना, जो भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या मॉडल वर्ब से शुरू होते हैं उनका जवाब आप हाँ या ना में देते हैं, और जो उनका क्वेश्चन की जो हिंदी है ना वो क्या से शुरू होती है, क्या से शुरू होती है और उनका जवाब हाँ या ना में देते हैं और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, दैट्स ऑल। आगे था आर यू, और कभी भी प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है? आर यू ब्रिटिश, क्या तुम अंग्रेज हो? नो आई एम नॉट, नहीं तो। हैव यू गॉट अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है? हैव यू गॉट अ कार, आप क्या आपके पास कार है? हाँ है तो लिख देना येस आई हैव, नहीं है तो नो आई हैवंट। डू यू फील वेल, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ कहना तो लिखोगे येस आई डू, मना करना तो नो आई डोंट। अच्छा, इज इट स्नोइंग, क्या बर्फ़ पड़ रही है? हाँ कहना तो लिखोगे येस इट इज़, येस इट्स, ये इट्स पूरा नहीं बोलोगे, येस इट्स नहीं, येस इट इज़, येस इट इज़, हाँ निगेटिव जब बनाते हो तो आप बहुत छोटी फॉर्म यूज़ कर सकते हो। इज इट स्नोइंग, क्या बारिश हो रही है? येस इट इज़, हाँ हो रही है। मना करना है नो इट इज़न्ट, नो इट इज़न्ट, नो इट इज़न्ट। आर यू हंग्री, क्या तुम भूख लग रही है? येस आई एम, हाँ कहना तो लिखोगे येस आई एम, हाँ हाँ लग रही है। मना करना नो आई एम नॉट।
सिक्स वाले में देखो, डू यू लाइक क्लासिकल म्यूजिक, क्या तुम्हें क्लासिकल म्यूजिक पसंद है? हाँ कहना तो लिखोगे येस आई डू, मना करना तो नो आई डोंट। सेवन्थ वाले में विल यू बी इन पैरिस टुमारो, क्या तुम कल पैरिस में होगे? हाँ कहना तो लिखोगे येस आई विल, येस आई विल, मना करना है तो नो आई वोंट। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म यूज़ करोगे, नो आई वोंट। हैव यू एवर बीन इन हॉस्पिटल, क्या तुम कभी हॉस्पिटल गए हो? हैव यू एवर बीन इन हॉस्पिटल, क्या कभी आप हॉस्पिटल गए हो? येस आई हैव, हाँ कहना तो येस आई हैव, आ गया हूँ, मना करना तो नो आई हैवंट, नो आई हैवंट। शॉर्ट फॉर्म, कभी पूरी फॉर्म नहीं बोलते, नो आई हैव नॉट, पूरा ऐसे नहीं बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म ही बोलेंगे, नो आई हैवंट। तो हैव यू एवर बीन इन हॉस्पिटल, क्या आप कभी आप हॉस्पिटल गए हो, हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो? येस आई हैव, हाँ हुआ हूँ, पॉजिटिव हाँ में जवाब देना, मना करना नो आई हैवंट, नहीं तो। डिड यू बाई एनीथिंग येस्टरडे, क्या तुमने कल कुछ की चीज़ खरीदी थी? डिड यू बाई एनीथिंग येस्टरडे, क्या तुमने कोई कल चीज़ खरीदी थी? हाँ कहना है तो येस आई डिड, पास सिंपल है, येस आई डिड, हाँ खरीदी थी, मना करना नो आई डिडेंट, नो आई डिडेंट, नहीं खरीदी थी। ओके अच्छा, इसमें था वर यू अस्लीप एट 3 AM, क्या तुम सुबह के 3 बजे सो रहे थे? वर यू अस्लीप एट 3 AM, क्या तुम सुबह के 3 बजे सो रहे थे? हाँ कहना तो येस आई वॉज, येस आई वॉज, हाँ मैं सो रहा था, मना करना नो आई वॉजंट, नो आई वॉजंट, नहीं नहीं तो मैं तो नहीं सो रहा था। ओके तो आप जो है ये पढ़ो और देश का नाम रोशन करो, आगे बढ़ो, और प्यारे मेरे प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ प्लीज़, और वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर कर लेना। ओके थैंक यू, मैं आपके लिए अब जो है, अब देखो इसमें शॉर्ट आंसर्स वगैरह अब ये बनाना से अभी शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ओके अब दे दना दना, आप मैं जो एकदम मेरा वो ख़राब हो गया वो स्टैंड, तो अभी मैं ऐसे करके और तुम्हारा वैसे कर, मैं इंट्रो भी नहीं दे पा रहा, मैं ऐसे करके समझा रहा हूँ, लेकिन ये भी तुम्हारा बाकी तो ऐसी मैंने समझा रही, ये समझ लो आपको कोई पढ़ा रहा है। ओके ना, आपको कोई पढ़ा रहा है और आपने किताब लेनी है पक्का, ये यू हैव टू बाय दिस बुक। ओके और ये अपने रिश्तेदार व कज़िन वगैरह को भी किताब खरीदने के लिए कहो, सबको कहो। ओके बाय 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 बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।